आगे बढ़ते हैं बिलासपुर से अगली बड़ी खबर, जहां पीसीसी चीफ मोहन मरकाम का बड़ा बयान सामने आया। 2023 में 75 सीटों के साथ कांग्रेस सरकार बनेगी, मोहन मरकाम की तरफ से बड़ा दावा। भारतीय जनता पार्टी में विस्फोट की स्थिति देखने को मिलती है, पहली बार देखने को मिला कि बीच में नेता प्रतिपक्ष बदले। बीजेपी में 4 साल में 3 प्रदेश अध्यक्ष बदले जा चुके हैं, भाजपा के लोग निराशा के दौर से गुजर रहे हैं, कहना है मोहन मरकाम का। कांग्रेस संगठन और सत्ता के तालमेल के साथ आगे बढ़ती है और भाजपा के केंद्रीय नेताओं के दौरे जो लगातार होने वाले हैं, इसे लेकर भी मोहन मरकाम का ये बयान। 4.5 साल में बिल में छिपे हुए थे और आप कुकुरमुत्ते की तरह बाहर निकल रहे हैं। मिलन है मिशन 2023, मिशन 2024 को लेकर कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करना, पार्टी की बात, सरकार की बात और हमारे संगठन की गतिविधियों को लेकर हम कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। और आने वाले दिनों में विधानसभा स्तर पर ट्रेनिंग प्रोग्राम है, संकल्प शिविर है, तो हम जमीनी स्तर पर हम कैसे जाएं, रणनीतियों के साथ हम जनता के बीच में जाएंगे। बिलासपुर संभाग में 24 सीटें हैं, जिसमें पिछले बार हम 13 सीटें जीते थे, 11 सीटें हारे, तो 11 सीटों को भी हम कैसे जीते, उस रणनीति के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। आपके अपोजिशन ने यानी भारतीय जनता पार्टी मिशन सरकार बनाई है, आपका मिशन क्या है, यानी मिशन सीट क्या है आपका? देखिए, हम शुरू से कहते आ रहे हैं, हम 2023 में हम 75 सीटों के साथ हम सरकार में बनाएंगे, हमारा लक्ष्य है। कांग्रेस के और जो कांग्रेस लीडर्स है वो सत्ता से अलग चल रहे हैं, तो इसको किस तरीके से? विस्फोट की स्थिति तो भारतीय जनता पार्टी में है, पहली बार ऐसा देखने को मिला है, बीच में ही नेता प्रतिपक्ष बदल दिया जाता है, ये भारतीय जनता पार्टी के में दिखता है। आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष मेरे ख्याल से 3 प्रदेश अध्यक्ष इन 4.5 सालों में बदले। भारतीय जनता पार्टी में निराशा के दौर से गुजर रहे हैं, हर कोई नेता बड़ा बनने का प्रयास करता है, कोई एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करता, इसलिए भारतीय जनता पार्टी निराशा हताशा के दौर से गुजर रही है। हम सत्ता और संगठन तालमेल के चाह रहे हैं और हमें उम्मीद है 2023 में हम लोग एकजुटता के साथ जाएंगे और जनता का जनादेश हमको फिर से मिलेगा। और कांग्रेस के इसी दावे पर बीजेपी ने वार किया है, कांग्रेस के 75 सीटों पर जीत का ये दावा आपने मोहन मरकाम की तरफ से सुना, लेकिन बीजेपी मीडिया सेल प्रमुख ने कहा है कि ये कांग्रेस की परफॉर्मेंस से जनता नाखुश है, कांग्रेस विधायकों से जनता नाराज है। अमित चिमनानी की तरफ से कहा गया है, जनता के बीच जाने से कांग्रेसी डर रहे हैं, 75 सीटों पर कांग्रेस कैसे जीतेगी ज्योतिष ही बताएंगे। इतने घोटाले कर दिए हैं कि शहरों में घोटालों की बारात निकल रही है, कांग्रेस के नेता जनता के बीच जाने से डर रहे हैं, सारे विधायकों का परफॉर्मेंस खराब है, बड़े बड़े मंत्री और उससे भी बड़े पदों पर बैठे हुए लोग इस बात के लिए दहशत में हैं कि न जाने कब उनका नंबर भी आ जाए और उनसे पूछताछ हो जाए। तो ऐसे में ये जो सरकार भ्रष्टाचार से घिरी है, जिसने वादा खिलाफी की है, जिससे जनता नाराज है, उसकी 75 सीटें कैसे आएंगी, ये तो फिर कांग्रेस पार्टी का कोई ज्योतिष ही बता सकता है। और बिलासपुर में कांग्रेस का संभागीय सम्मेलन लगातार चल रहा है और इस संभागीय सम्मेलन में कुमारी शैलजा की तरफ से क्या कुछ कहा गया ये भी आपको बता दें। 5 साल के काम को जनता तक पहुंचाना है, ये निर्देश है, लोगों तक आप तभी पहुंच पाएंगे जब लोगों के बीच होंगे। राहुल गांधी की पदयात्रा से अलग तरह की हवा भी चल रही है और उन्होंने गर्मी धूप पानी को भी नहीं देखा, वे लोगों से मिले, उन्होंने लोगों को गले लगाया, ये प्रभारी शैलजा की तरफ से कहा गया। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही, देखते रहिए न्यूज़ 18।